फर्स्टली प्रियंका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पेरिस जा रहे हो एंड सो लाइक आप दिस इज योर सेकेंड ओलंपिक्स एंड आप पहले भी वहाँ पे जब गए थे, तो हाउ आर यू लाइक प्लान, इस बार प्रिपरेशंस कैसे डिफरेंट चल रहे हैं आपके, कंसिडरिंग आपको पता है ये इवेंट कैसा होता है एंड एवरीथिंग? वैसे अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं और कॉम्पिटिशन जाती हूँ तो ये भी वैसा ही है। तो टाइम के लिए हम सभी एथलेटिक्स जो रनिंग के इवेंट्स के होते हैं तो सब सोचते हैं कि हम अपना जो टाइमिंग है उसको एक टारगेट रखते हैं कि हमें ये अचीव करना है। तो मेरा भी माइंड में वही सेट है। और जैसा कि मैं तैयारी कुछ हटके नहीं है, बाकी इतना है कि मैं लास्ट ओलंपिक से पहले इंडिया से आई थी डायरेक्टली और अभी मैं बाहर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो थोड़ा वेदर और टाइम टेबल जो है वो ऑलरेडी अडॉप्ट है मुझे। अच्छा, प्रियंका, मैं ना आपकी शुरुआत से जो स्टोरी थी कि आप पहले जिम्नास्टिक में थे एंड फिर आपने रेस वॉकिंग ट्राई की, तो ये स्विच कब और कैसे हुआ? ये 2011 में हुआ था। हमारे यहाँ पे 3 जनवरी को एक डिस्ट्रिक्ट मीट थी, मतलब वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो मेडल विनर्स होते थे। तो मैंने एक दो इवेंट्स में ऑलरेडी रनर्स तो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही थी लड़कियां, तो वो नंबर नहीं आने दिया वहां पे। 3 लड़कियां मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाती थी, तो मैं फिफ्थ या सिक्स्थ ऐसे हो गई थी। तो रेस वॉकिंग फाइनल इवेंट था, मतलब लास्ट में सबसे रेस वॉकिंग इवेंट ही बचा हुआ था। तो उसमें मेरे को लगा शायद चलना ही है इसमें, तो 3 लड़कियां थी उसमें बस। तो मैंने सोचा शायद चल चल के मैं एक को तो बीट कर ही सकती हूँ इसमें। तो उसमें मैं जैसे वो जिमनास्ट थी तो मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल थी और उसमें भी थोड़े बहुत ऐसे लचीले वाले इवेंट्स मतलब एक्सरसाइजेस होती थी, तो वॉक में हमारी वो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मेरे को उसका बेनिफिट मिला और मैंने फर्स्ट डे ही जो की थी डायरेक्टली तो वो बहुत अच्छे से की थी, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि मैं शायद पहले से ही वॉक कर की है। तो फिर वहां पे जो मेरे कोच थे जान जिन्होंने मुझे शुरुआत की थी, तो उन्होंने उस दिन से ही बोल दिया कि आज से तू रेस वॉकिंग ही करेगी। और मैं थर्ड हुई थी उधर, तो मेरे को बैग भी मिला था प्राइज में, तो तब से खुशी भी थी कि चलो मैंने कुछ जीता है लाइफ में। अच्छा, उसके बाद से मैं इसमें आ गई। तो मतलब जिस टाइम आप पार्टिसिपेट कर रहे थे आपको कोई आइडिया नहीं था कि रेस वॉकिंग क्या होता है? नहीं कोच ने वहां पे हेल्प की थी कि या तो आपने सिर्फ देख के सीख लिया कि हाँ ऐसे ही चलना है? वहां पे एक लड़की थी जो मतलब प्रोफेशनल थी रेस वॉकिंग में ही, तो अच्छा, मैंने उसको देखा नोट किया कि ये कैसे कर रही है। तो मेरे को पता था ये वॉक है, इसमें दौड़ना तो नहीं है, हाँ, बाकी चलना है, अब जितना तेज हम चल सकते हैं चलना है। तो मैंने हाँ भी उसको थोड़ा देखा और बस चलती चली गई। 3 किलोमीटर थी वैसे उस टाइम पे। तो अच्छा, जैसे मेरी और जो थर्ड फोर्थ लड़की थी, हम दोनों की बिल्कुल लाइक फिनिशिंग जैसे चेस्ट फिनिशिंग होती है वैसे ही हुई थी। तो फिर मुझे ही थर्ड बोल लिया था वहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुकी थी, तो मेरे को भी जीतना था वहां पे। तो हम दोनों की जैसे फिनिश, इतना बड़ा इवेंट नहीं था, अभी तो डिस्ट्रिक्ट मीट भी बहुत बड़े तरीके से कराते हैं, तो हाँ पहले इतना नहीं था कि कैमरे हो वहां पे ये सब हो। तो ऐसे ही दूसरे को देख के ही मैं एकदम से कैच कर गई थी इवेंट को। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है फॉर नाउ, क्योंकि आप जब बोलते हो कि नहीं ऐसे ही ट्राई करके एंड अब दूसरी बार ओलंपिक्स उसी इवेंट में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम हुई थी, क्योंकि एक ओलंपियन होना शायद किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो 2021 में मैंने इंडिया रिकॉर्ड भी किया था, वो उससे भी बड़ा था कि हाँ मैंने मतलब एक इतने बड़े देश का मतलब रिकॉर्ड मेरे नाम पे आया है। और फिर ओलंपिक क्वालिफाई, दो तीन चीजें मतलब पूरा चेंज हो गया था उस टाइम पे। तो शायद मेरी रेस वॉकिंग की सबसे ज्यादा खुशी 2021 ओलंपिक्स की थी। अच्छा, फिर कॉमनवेल्थ में मेडल जीता तो वो भी एक अपने आप में हिस्ट्री बन गई। तो फिर तो धीरे धीरे वो चीजें खुशियां कंट्रोल होती चली गई और भूख बढ़ती चली गई। तो वही है कि अब दूसरा ओलंपिक जा रही हूँ तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने इस इवेंट में इतना कुछ कर लिया अपने देश में। ट्रू ट्रू। आपने मतलब आप मुजफ्फरनगर से हो ओरिजिनली एंड आज आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रहे थे फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड एवरीथिंग। सो ये जो सात समुंदर पार की कहानी है, ये कैसे हुआ? आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ मैं वहीं जाके रहूंगी एंड नई जगह पे एडजस्ट होना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? हाउ कैसे आपने अडेप्ट किया उन कंडीशंस को एंड एक पूरे नए शहर में, देश में, सॉरी?
मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमारे साथ इंडिया से कोई रहे तो थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ कोई है साथ में, लेकिन दूसरी कंट्री के सब लोग रहते हैं और उनके साथ थोड़ा मतलब एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कभी कभी ऐसे भी होता है अकेले इतना फील होता है कि वापस जाने का भी मन करता है कि नहीं वापस जाना है। तो वही है जो हमारी लाइफ के गोल्स है, और हमें इतना पीछे से भी सपोर्ट है कि कर रहे हैं कि तुम करो, तो कहीं ना कहीं वो रोक देता है कि नहीं, हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए हमें यहीं पे रहना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। कंसीडरिंग आप जो कैंप में थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे बहुत सारे दूसरे देश के एथलीट्स भी थे, तो वहां का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? काफी अच्छा रहा है क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें है कि वहां पे सीखी है, और उनका एनवायरनमेंट भी काफी मतलब आगे है स्पोर्ट्स का। ऐसा नहीं है जैसा इंडिया में, इंडिया में हम लोग अगर रोड पे वॉक करने निकल जाए तो लोग देख के हंसते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या फिर मैंने एक दो जगह और ट्रेनिंग की है तो वो लोग मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्लेयर हो, अगर हम रोड पे वॉक कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्लैपिंग करते हैं और साइड देते हैं कि नहीं इनको पहले जाना चाहिए। चाहे उनको ये नहीं पता कि हम कौन है क्या है, लेकिन उनको ये है कि कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन है ये लोग, तो उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि इंडिया में अगर हम निकल जाए तो बच्चा तो चलो ठीक है छोड़ देते हैं कि चलो बच्चा है, बड़े से बड़ा भी हंसता है देख के ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो चीज का फर्क है बाहर ज्यादा। अच्छा, आपने इंटरव्यू के शुरुआत में जब आपने ये बोला कि अब आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा इवेंट्स जो बड़े लेवल पे होने लगे, तो आपको क्या फर्क लगा है जब आपने रेस वॉकिंग शुरू की थी और आज इस लेवल पे क्या डिफरेंसेस है मेनली? पहले कुछ नहीं था, ये खेलो इंडिया हो गया या फिर जो जूनियर्स के लिए स्कीम्स है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी। तो हम लोग तो जैसा मेरठ से मेरी शुरुआत हुई थी, हम लोग मम्मी मतलब शहर में लेके आ गई थी मुझे मुजफ्फरनगर से पढ़ाई के लिए हमारी, कि गांव में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं भी वहां पे गई स्टेडियम में तो मुझे गेम का पता चला। अगर मैं मेरठ नहीं आती, अपना गांव में ही रहती तो मुझे नहीं पता चलता। आजकल तो गांव गांव में ओपन जिम मिल गया है और ट्रैक की भी मतलब ट्रैक नहीं सिंथेटिक नहीं तो एटलीस्ट छोटा मोटा ग्राउंड बनवाते हैं सरकार, जैसा हमारा है, मेरा यूपी है तो काफी यूपी में तो अभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से अब तो मतलब ये जो हमारा एक अंडर 14 का इवेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसमें सारे बच्चे छोटे पार्टिसिपेट करते हैं, अभी तो कितने हजारों में पार्टिसिपेट किया था, तो पहले इतना कुछ नहीं होता था। तो अभी तो हर मतलब बच्चा भी जानता है कि मेरे को खेल में जाना है, मुझे तो नहीं पता था खेल के बारे में जब तक मैंने शुरुआत नहीं की थी। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके नेबर्स में या आपके गांव से कि किसी ने देख के आपसे रेस वॉकिंग आगे शुरुआत की है, किसी ने करियर की शुरुआत की है, या किसी ने बोला है कि आप जो किए हो बहुत अच्छा है, मैं भी शायद अपने बेटे या बेटी को स्पोर्ट्स में डालूंगी या आगे उनको प्रेरित करूंगी? हाँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरी कॉलोनी में मतलब मैं कितने 100 तक तो मैं बता ही सकती हूँ कि 100 बच्चों ने गेम की शुरुआत की है कि हमें भी गेम खेलना। और मतलब शहर में है तो हर जगह भी मतलब ग्राउंड नहीं है, तो हमारा जो स्टेडियम है मेरठ का वो 8 किलोमीटर है, तो वो छोटे छोटे बच्चे साइकिल से स्टेडियम तक जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको देख के लगता है कि चलो कोई तो इंस्पायर हुआ है कि खेल की साइड बढ़ रहा है। तो बहुत उस टाइम बहुत बच्चों ने मतलब शुरुआत की थी गेम की। नहीं, आप जब 100 नंबर बोल रहे हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर सब ऐसे छोटी लाइक डिस्ट्रिक्ट से आने लग जाए तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि मेरठ में ही जैसे हम स्टेडियम में जाते हैं, अगर घर जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं जाके, तो मतलब मेरा जो पहले कोच है वहां पे ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनके पास मतलब हर एक इवेंट के मतलब बहुत बच्चे हैं, मतलब कई ग्रुप है उनके पास, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम सब ग्रुप को देखते हैं। तो मतलब एथलीट्स की जो भीड़ बढ़ी है बहुत ज्यादा बढ़ी है मेरठ ग्राउंड में हमारे। आपकी जो 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग की शुरुआत भी कुछ लाइक लक बाय चांस बोल सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड फॉर हार्ड वर्कर्स बोल सकते हैं, क्योंकि आप पार्टिसिपेट ओरिजिनली जूनियर में कर रही थी, फिर सीनियर में पार्टिसिपेशन नहीं था,
तो वो मोमेंट जब आपको पता चला कि आपको 20 किलोमीटर चलना है, वो कैसा था आपके लिए फर्स्ट टाइम? मेरे को जब मैंने शुरुआत की थी ना वॉकिंग की, तो 3 किलोमीटर था, तो मुझे पता भी नहीं था कि आगे 20 भी करना है। शायद पता होता तो मैं वही स्किप कर देती कि मैं 20 तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे 3 के बाद 5 किया, फिर 5 के बाद 10 किया, 10 के बाद फिर 20 में आई। तो 20 में जब आई थी तो मेरे को, मैं रेलवेज में नहीं थी, मतलब रोड पे करना होता है 20 अच्छा, इंटरनेशनल्स में। तो हाँ मैंने 2018 में ज्वाइनिंग की थी रेलवेज में। तो उस टाइम मैं सोचती थी नहीं, मुझे रेलवे ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि 20 किलोमीटर ट्रैक पर लगानी है और मैंने कभी लगाई नहीं है, और मैं कैसे लगाऊंगी। तो वो भी मेरे अंदर डर था, नहीं मेरे से 20 ट्रैक में नहीं होगी, तो मैं दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगी। लेकिन हम लोग ट्रेनिंग उसी हिसाब की करते हैं कि फिर हमें लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा। तो ट्रेनिंग ने ही मेरे को थोड़ा हार्ड बनाया है कि कर लूंगी इजिली। फिर तो अब तो 20 क्या, मैंने 25वीं ट्रैक पे की हुई है। बढ़िया। आप तीसरी भारतीय महिला हैं जो रेस वॉकिंग में ओलंपिक क्वालिफिकेशन मिला है। तो जब आपको पता चला आप पेरिस जाने वाली है, एंड आल्सो आप वन ऑफ दो फ्यू एथलीट्स थे जिन्होंने 2 इवेंट्स के लिए इजीली क्वालिफाई कर दिया था, आपको हाउ डिड यू फील अबाउट इट? कैसा महसूस हुआ था जब आपको पता चला कि हाँ मैं ये 2 इवेंट के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ? अच्छा लगा है कि 2 इवेंट में है, लेकिन वही है कि टारगेट अपना इंडिविजुअल में ज्यादा, और मिक्स भी हमारे काफी अच्छे चांस है। अगर हम, लड़का भी अच्छी रेस करता और मैं भी अच्छी करती हूँ, तो हम वर्ल्ड कप में 18 पोजीशन पे थे, तो इजिली हम अच्छी पोजीशन में ओलंपिक्स में आ सकते हैं। और अच्छा लगता है कि हाँ, हर कोई एक एक इवेंट में, हम दो दो इवेंट में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अलग सा लगता है, लेकिन ठीक है, जा तो ओलंपिक्स ही रहे हैं। और शायद भारत से तो मैं ही हूँ जो दूसरा बार ओलंपिक जा रही हूँ लड़कियों में आज तक वॉकिंग में। प्रियंका, आपने बोला था कि जब अब डिस्ट्रिक्ट में जैसे अब बहुत सारे स्कीम्स आने लग गए एंड एवरीथिंग, सो उसी टाइम पे अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे गो स्पोर्ट्स हो गए एंड बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एथलीट्स को हेल्प करते हैं। तो ये सब आपको गो स्पोर्ट्स का सपोर्ट आपको कैसे हेल्प किया आपकी जर्नी में? मैं गो स्पोर्ट्स में 2017 से हूँ, जब मैं जूनियर थी तो उस टाइम मैं सिर्फ नेशनल में मेडल दे रही थी, और एक साल ऐसा भी था कि मैं नेशनल मेडल से भी आउट थी। तो गो स्पोर्ट्स ने मुझे ऐसा नहीं किया कि अब तो इसके मेडल नहीं आ रहे तो इसको निकाल देते हैं, मुझे कंटिन्यू सपोर्ट दिया मतलब इतने सालों से। और हर चीज में ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो नहीं देना है, दे देते हैं मतलब। हाँ कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो इसलिए वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी चीज है तो देते हैं, और काफी सपोर्ट है। देखो हर खिलाड़ी को कोई अलग उसमें है, मैं गो स्पोर्ट्स में हूँ तो बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज का। फिर अब तो मैं खैर दूसरा ओलंपिक जा रही हूँ, जब मैं, अब तो ठीक है कोई नहीं सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जब मैं की जबकि बात बता रही हूँ, जब मैं नेशनल में भी मेडल आना बंद हो गया था बीच में, मतलब 2018 के आसपास की बात है, तब भी उन्होंने मुझे मतलब उतना ही सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच अप्रिसिएशन के लिए। ऐसा कुछ पेरिस में जब आप जा रहे हैं, आप व्हाट इज योर एंड गोल, आपका टारगेट कहाँ है, क्या है अपने इवेंट के लिए? बस यही है जो मैंने आज तक का हिस्ट्री में, मतलब अपना इंटरनेशनल जो टाइमिंग निकाला है, मैं उसको बेस्ट करूं, ताकि ये है कि आने वाले और भी कॉम्पिटिशन्स में मुझे उसमें हेल्प मिले। तो वही है कि मेरा जो टाइमिंग है मैं उसको बेस्ट करूं। अच्छा, तो प्रियंका आप अपने ऑफ ट्रेनिंग टाइम में या ऑफ ट्रेनिंग डेज में क्या करना पसंद करते हैं? बस फोन चलाती हूँ, घर पे बात करती हूँ और कान्हा जी की सेवा करती हूँ। बढ़िया, वो तो भक्ति में तो लीन होना ही चाहिए। ये आपका सोशल मीडिया गेम बहुत ऑन पॉइंट है, कभी सोच सकते हैं आपको मॉडल या फिल्मों में एक्ट करता देखते? हाँ देखूंगी मैं, जब फ्री होंगी तो आऊंगी किसी रियलिटी शोज में। है तो मतलब मुझे अच्छा लगता है सजना, या फिर मेकअप करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और थोड़ा ये सब चीजें मुझे पसंद है। तो देखते हैं फ्यूचर में, अभी तक तो मैंने माइंड में सेट नहीं किया कि मुझे अभी जाना है, एक ओलंपिक्स और देखना है अभी। बढ़िया, नहीं हम वेट करेंगे, उसका भी हम वेट करेंगे।
आपकी इतनी जो स्पोर्टिंग जर्नी, आपने जो इवेंट्स बताए थे टोक्यो, फिर जब आपने CWG की गेम्स खेले, तो सबसे खास पल कौन सा है आपके स्पोर्टिंग जर्नी का? कॉमनवेल्थ मेडल ही, मतलब उसने लाइफ चेंज की है, इंडिया में लोग जानने लगे हैं तो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। अच्छा, बढ़िया। ऐसा कोई इवेंट है जो आप देखना चाहते हो ओलंपिक में, पेरिस विलेज पोल वार्ट बॉयज, में? हाई जंप नाइस। गर्ल्स, कोई स्पोर्टिंग आइडल फिर? आइडल कोई नहीं है, बस अच्छा लगता है कि ये दोनों इवेंट में, मतलब वो लड़का जो है स्वेडन का, वो हर बार मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड करते रहता है, तो वो उनका देखना अच्छा लगता है। मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देखा था, और हाई जंप की जो लड़की है वो भी यूक्रेन की है, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था लेटेस्ट, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो उसका भी इवेंट देखना अच्छा लगता है। अच्छा, जो भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस में, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस यही रहेगा कि जैसा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का है, तो अपने बेस्ट के लिए भागे या बेस्ट के लिए जंप करे या थ्रो करे, बाकी जो और दूसरे गेम है उनको पता है उनका कहाँ स्टैंडर्ड है और कहाँ वो क्या अचीव कर सकते हैं, तो अपना बस 100% हर चीज में देते चले जाए, और अगर उनका जो भी गोल है उनको वो इजिली मिल जाएगा। बस ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका।